प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी एवं सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि प्रदेश विधानसभा के चुनाव में युवा कांग्रेस की अहम भूमिका है। उन्होंने कांग्रेस के इस अग्रणी संगठन के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी के सत्ता में आने पर युवा साथियों को सरकार में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उन्होंने युवा कांग्रेस के प्रचार से दूर रहने के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह भातियां फैलाई जा रही है और यह वास्तविकता से दूर है। राजीव शुक्ला ने आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमाचल युवा कांग्रेस के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संगठन पार्टी की मजबूती के लिए पूरी ताकत के साथ काम किया है और इसी का नतीजा है कि आज हर बूथ पर युवा कांग्रेस के पांच पांच साथी हैं। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर भी अच्छा कार्य किया है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस को लेकर कुछ भातियां फैलाई जा रही हैं और यह सब गलत है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस एकजुट है और पूरी ताकत के साथ फील्ड में डटी है। यार कल भी तुम्हें कहा था, फिर तुम वहीं से आ गए कि जब टिकट बढ़ते हैं 70 साल में, इसके अलावा कोई आरोप लगते हैं? जिसको नहीं मिलता है वो कहता बेच दिया, जिसको मिल गया वो नहीं मिलता। तो ये सब तो बेकार की बातें, इन पे कोई हम जवाब देने ही नहीं चाहते, इन पे कोई टिप्पणी करने नहीं चाहते। हर जगह हर राज्य में ये आरोप हर पार्टी में लगते हैं, कोई नई बात है क्या? इसलिए कोई आरोप नहीं। अभी यूथ कांग्रेस के मुतल्लिक कोई सवाल पूछना पूछ सकते हैं, आके लोग खड़े बैठे हुए हैं। ये आपकी गलत फहमी की मजबूती नहीं दी जा रही, उन्हें पूरी मजबूती चाहिए। चुनाव में पूरी तरह से संलग्न है, यथोचित सम्मान रखा जाएगा। और जो अभी भी हमारे तमाम प्रत्याशी सब यूथ कांग्रेस से तो निकले हैं, विक्रमादित्य सिंह क्या था यूथ कांग्रेस से, आर एस बाली क्या था यूथ कांग्रेस से, तो बहुत यूथ कांग्रेस के प्रत्याशियों को है जो कर। लेकिन हमारे मौजूदा जो कार्यकारिणी के लोगों के था वो नहीं हो पाए, बस इतनी है। यूथ कांग्रेस निकली, बहुत लोगों को टिकट मिला है, तो रीढ़ की हड्डी उसी जगह यथावत है और मजबूत है। नहीं, उन्होंने स्वयं संयम बरता हुआ है, यही तो सराहना करने में आया हूं। इन्होंने स्वयं संयम बरता है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम इनके प्रयासों की सराहना करते हैं और इसके बाद जब हमारी सरकार बनेगी इन्हें जो है हम बहुत अच्छे पदों पर सुशोभित करेंगे, ताकि हिमाचल का युवा जो है उसकी जो है तरक्की हो सके, युवाओं की समस्याओं का निराकरण हो सके। ये सब सारे कार्य जो है युवाओं के जो कार्य हैं, जो हमने अपने 10 गारंटी में रोजगार संघर्ष यात्रा चलाई थी और इसके अलावा हमने जो स्टार्टअप फंड बनाया था, तो उन सब के लिए जो है हम वो जो सरकार में जो वो बनाएंगे व्यवस्थाएं, उनमें निश्चित रूप से इन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। निगम जी आपसे सवाल है, जब टिकट नहीं मिला आपको तो आपने ऑनलाइन माध्यम से बैठक की थी, फिर ये निर्णय लिया था कि कोई भी जो युवा कांग्रेस का साथी है वो पार्टी के जितने भी कार्यक्रमों में भाग नहीं लेगा, ये जो है वो बात आई थी सामने, क्या ऐसी बात हुई पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जो समझौता करना पड़ा है आपको? पहले तो आप जो बात आपने कही कि युवा कांग्रेस राजनीति और कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर भाग नहीं लेगी, पहली बात तो ये ऑफिशियली युवा कांग्रेस के बिल्कुल नहीं था। टिकट को ना लेने से कहीं ना कहीं युवा साथियों का मन बदल गया था और उसी के चलते ऐसा नहीं कि युवा कांग्रेस का काम हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रहा था, अलग अलग विधानसभाओं में युवा कांग्रेस का काम हो रहा था और जो युवा साथी जिनका मन बदल गया था और पूरी पूरी टीम पूरे हिमाचल प्रदेश में कोशिश कर रही थी उनको मनवाने की कि ऐसा नहीं है, पार्टी का जो डिसीजन है वो सरल नहीं है, आप एक ही बार नाराज ही होगी, एक भी युवा कांग्रेस का कोई भी ऐसा साथी नहीं है जिसने टिकट के लिए आवेदन किया और वो इंटरव्यू चुनाव लड़ा, क्या उसने नामांकन भरा, नाराज ही होते कहीं ना कहीं नामांकन युवा कांग्रेस जरूर करते, ऐसा नहीं है। पार्टी का जो भी आदेश है वो हमारे लिए शराबों पर है और आज आदरणीय राजीव शुक्ला जी यहाँ पर आए और लगातार हमारे संपर्क में है क्योंकि शीर्ष नेतृत्व हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्वयं यहाँ पर बैठा है और देखिए हम उनका सबका हम सम्मान भी करते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने युवा कांग्रेस के काम को देखा है, कोई कारण रहे होंगे कि युवा कांग्रेस को टिकटों में कहीं जगह नहीं मिली होगी, बस अभी स्वयं ध्यान रहे कि आने वाले समय हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो युवाओं को जरूर तवज्जो देगा। निगम जी चुनाव
ओर से जो प्रत्याशी है उन्होंने आपको बड़ी सभा में कहा था प्रतिभा सिंह के सामने कि आपको भाजपा की जी टीम है, उसके बाद आपने सार्वजनिक बयान भी दिया था कि इस तरीके से कैसे चलेगा, आप तो अध्यक्ष एक मजबूत टीम है यूथ कांग्रेस, उसके बाद वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्या सपोर्ट करेंगे अब जगत सिंह जी को? आप देखिए पार्टी में जिसकी लड़की को गिर गई उसका हम स्वागत करते हैं। हमारे लिए कांग्रेस पार्टी का झंडा ही कांग्रेस पार्टी का झंडा है और हम उसको चलाने की पूरी कोशिश करेंगे, उसकी जीत की जीत को सुरक्षित जरूर किया जाए। जितने भी 68 कैंडिडेट हैं सबके लिए यूथ कांग्रेस काम करेगी, इसमें कुछ कोई शक आपको होने नहीं चाहिए। और ये हमारे ये तो एक शरीर के अंग है, इनको आप अलग कैसे बता रहे हैं? और युवा कांग्रेस के सारे साथी प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी कार्यकारी मैं और प्रदीप मोदी हम सैलरी वाइज निर्णय करेंगे, यूथ का जो काम चल रहा है उसको मॉनिटर भी करेंगे और एक श्योर करेंगे कि कांग्रेस पार्टी में जो सरकार हमारी आ रही है हिमाचल में उसमें हम लोग युवाओं की भागीदारी दिखाना चाहते हैं। जैसे प्रेज मिली है हम ऐसे ही सरकार बनने के बाद भी चाहते हैं कि जब उसके बाद की पीसी हो तो सर वहाँ पे भी युवा कांग्रेस की सराहना करें, इसलिए हम एकजुट है, एक परिवार है, राहुल गांधी जी की हम टीम है, हमारे पास जिसको पंजे का निशान मिल गया वो हमारे लिए कैंडिडेट। मैं एक लास्ट क्लोजिंग कमेंट कर देना चाहती हूँ, ये पत्रकार साथियों ने ही हमें बताया था कि राजीव शुक्ला जी के नेतृत्व में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भाजपा से बहुत बेहतर हुआ है। भाजपा का जो विवाद है आज भी आप ही की अखबार की सुर्खियां हैं, पूर्व सांसद भाजपा के पूर्व विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, बिलासपुर दिल्ली छोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बिलासपुर बैठना पड़ रहा है, संवाद नहीं काम आ रहा। लेकिन राजीव शुक्ला जी आप देखिए छोटा सा कार्यकर्ता से बड़े कार्यकर्ता से संवाद का ही नतीजा है कि आज पूरी युवा कांग्रेस 5 तो ऐसे उम्मीदवार मजबूत है जिन्होंने दावेदारी की, और कल से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि युवा कांग्रेस शायद नाराज है कैंपेन में नहीं है। एक बार फिर से राजीव शुक्ला जी ने सभी से संवाद किया है और हमें किसी पर भी ऐसी कोई कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं, परिवार एक है, ताकत से हिमाचल में राजीव शुक्ला जी के नेतृत्व में हम पक्का है यहाँ बदलाव करने जा रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन निगम ने बड़ी अच्छी बात की, यूथ कांग्रेस का एक भी रेबेल नहीं खड़ा। बिल्कुल, आप देखिए आप कैसे कह रहे हैं कि ये कोई खिलाफ और कुछ ये, वो तो बराबर लगे हुए पूरे डिसिप्लिन के साथ। हमारे साथ शाहपुर से जो कैंडिडेट जिन्होंने नामांकन भरा था पंकज कुमार पंकू जी है और बिलासपुर से शीख ठाकुर जी हैं, ऐसे 14 लोग हमारे थे, बाकी जो आज 5 आए 9 जो लोग हैं उनका भी पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को समर्थन है और वो ज्वाइन जो कर रहे हैं और आज हमारा एक साथी ज्वाइन कर रहा है जो पीछे छोड़ के चला गया था, ये जिला अध्यक्ष शिमला यूथ कांग्रेस के थे, इनकी नाराजगी थी कुछ, इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, बट आज द्वारा ये हमारे साथ ज्वाइन करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।